दी और हमारे एक टीचर गुरु भी हैं के ऊपर लगा दिए हैं अभी दूसरे इसके ऊपर। अभी ये बोल रही है मैंने एक्रेलिक करवाना है। दोनों मम्मी गई हुई है क्लास लगाने। है गाइस वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग ऐसा होने वाला है कि आज जो हमने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि हम कुछ रिवील करने वाले हैं, सो आज हम बेसिकली पूरा ही रिवील कर देंगे कि हम क्या कर रहे हैं। और आज मैं रूप के हाथ में काम करने वाली भी हूँ। रूप आज मेरा कस्टमर है तो ये मुझे बताएगी ये कि मैं कैसा बनेगी। हाँ और उसके बाद मैं उसकी बनूंगी तो ये बताएगी कि मैंने कैसा काम किया। सो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम सीख रहे थे नेल एक्सटेंशन और आज मैं नेल एक्सटेंशन रूप के हाथ में करने वाली हूँ। बहुत जल्दी हम आप लोगों को वेन्यू वगैरह सब कुछ बता देंगे कि हम कहाँ काम करने वाले हैं, ओपन करने वाले हैं स्टूडियो तो। पर आज पहले काम तो देख लो हम कैसा करते हैं, उसके बाद बाकी तो आप ही डिसाइड करो। पहले मैंने छोटे छोटे से नेल भी दिखा दे बड़े, बाकी मैं बैक कैमरे से पहले इसके नेल्स वगैरह सब कुछ। तो गाइज नहीं पहले रूप के साथ बात तो कर लो, आपको कैसा फील हो रहा है जब कस्टमर बन के मेरे पास आए हो। आपके पास आई हूँ, आपने मेरे साथ ही सीखा है तो थोड़ा कस्टमर बनी हूँ तो ये जिन लोगों को नहीं पता हम लोग इंस्टाग्राम पे आए थे लाइव और कुछ लोग वो हम बिना बताए लाइव आ गए थे, कुछ लोगों को नहीं भी पता तो ये दी हैं जिनसे हमने दी और हमारे टीचर गुरु भी हैं जिनसे हम सीख रहे हैं। आप थोड़ा कुछ बोलोगे पहले हमारे बारे में, हमारी तारीफ करो। हाँ ये ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी इनको फोर्थ डे फिफ्थ डे आपका ना फिफ्थ डे है, मतलब इतना अच्छा इन्होंने कर लिया कि अमेजिंग है मतलब। तो ये दी हमें सिखा रहे हैं। भी बता दो कहाँ पे है, कुछ बता दो कहाँ पे है। हमारी शॉप न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर नियर पी पम्मी दी हट्टी। हाँ तो जिसको भी इस एरिया में चंडीगढ़ और मुल्लापुर में अगर किसी को अपना काम करवाना हो तो वो आ सकता है। बाकी दी ने बता दिया एटमॉस्फेयर से लेके सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एज अ मतलब हम बोलते हैं कि एज अ क्लाइंट नहीं यहाँ पे किसी को भी ट्रीट किया जाता है, एज अ फैमिली मेंबर मान सकते हो, एज अ फ्रेंड मान सकते हो, ऐसे मतलब इनका बात करने का तरीका ऐसा जो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगे, इसलिए हम इतनी जल्दी इतना कवर अप कर पाए हैं। सो आप यहाँ पे आओ, आप एक बार मतलब सर्विस लेके देखो, आपको जरूर बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। अब मेरे नेल्स की बारी आ गई है। हाँ अब रूप के ये रूप के बिफोर नेल है और आफ्टर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। नेल साफ करके आना चाहिए था आपको अच्छे से, देखो आप नेल। चल तू किसके लिए रखी है, चल चल तो ये अभी मैं इसके नेल ऐसे नहीं बोल रहा था, ये जब काम करवाने आते हैं ना तो घर से कुछ भी नहीं करके आना, सब चीज फैसिलिटी हम यहीं पे आके लेंगे। ओके ठीक है दी, आप बोलोगे कुछ कस्टमर नहीं कस्टमर का अब हम करेंगे पहले मैनिक्योर। ये नेल्स हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं अभी दूसरे इसके ऊपर। अभी ये बोल रही है मैंने एक्रेलिक करवाना है। तो कस्टमर इतनी डिमांड वाला है ना हमारा, मिनट बाद कोई ना कोई नई डिमांड आ रहा है। ये भी पूछ लो, एक्रेलिक भी दो होते हैं ना, दो तरह के, एक डीपिंग वाला होता है और एक हम लिक्विड के साथ लगाते हैं। कौन सा करवाओगे, डीपिंग वाला कर लेते हैं तो आप बाकी आपको पता है कौन सा ज्यादा अच्छा। और आर्ट कौन सा करवाना है आज आपने, आर्ट मैंने कराना है फ्रेंच। फ्रेंच कौन सा ऊपर डॉट है, ठीक कौन सा आर्ट करवाना है, फ्रेंच फ्रेंच के ऊपर डॉट है, फ्रेंच आर्ट करवाना है इसने, फ्रेंच आर्ट ठीक है करते हैं इसका फ्रेंच आर्ट। तो गाइस रूप और मानसी तो अपनी क्लास लगाने के लिए रूप और मानसी तो गए अपनी क्लास लगाने। तो आज ना आराध्या के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है तो उस पेरेंट्स मीटिंग के लिए मैं और आराध्या जा रहे हैं। वैसे मेरे साथ रूप या मानसी कोई ना कोई पक्का जाता है, इस बार मैं और आराध्या ही जा रहे हैं। हाँ चलो अब मेन बात वो भी बता दूं यार ये, और ये आराध्या के मैम का ना बर्थडे है जो इनकी क्लास टीचर है, तो उनका बर्थडे। तो कह रही हम स्कूल पहुंच गए, स्कूल के गेट पे पहुंच गया था मैं, तो कहते पापा मैं हाँ कल तो मैम का बर्थडे था ना, मैं हाँ तो गिफ्ट तो दिया नहीं, मैं कहा गिफ्ट कोई बात नहीं कल तो स्कूल जाएगी पेरेंट्स मीटिंग के बाद मैं तेरे को दिला दूंगा। तुझे देने का नहीं, फिर तो टाइम चला जाएगा, मैंने आज ही देना रोने लगी। फिर मैं वापस आया अपनी सिटी में, गिफ्ट लिया और 11 बजे तक पेरेंट्स मीटिंग है, 10:55 हो गया, 10:55 हो चुके हैं, 5 मिनट रह गए, अब स्कूल पहुंचना है, पेरेंट्स मीटिंग लेनी है, गिफ्ट भी देना है। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे और रूप और मानसी की भी क्लासेस अच्छी चल रही है, जल्दी हम स्टूडियो खोलने वाले तो वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है आज कैसे बनाते हैं, क्या सेटअप तैयार करेंगे हम उसके लिए, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हम लगाएंगे, हर एक चीज़ आपको दिखाएंगे, कितने में हमारा स्टूडियो तैयार होगा टोटल, ये सब कुछ दिखाएंगे। जैसे कि मानसी ने बताया था कि पहले ये मेरे एक्सटेंशन कर रही थी तो मेरे नेल्स का लुक ही ये है।
ये देखो अच्छे लग रहे हैं ना। तो अब मैं करने जा रही हूँ, मतलब हम करने जा रहे हैं मानसी के नेल्स। तो अब मानसी बन चुकी है कस्टमर और हम बन चुके हैं क्या मालिक, ठीक है आर्टिस्ट। अब हम आपका करेंगे, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है बैठ के? मुझे अभी तक तो इन्होंने बहुत ही अच्छी सर्विस दी है, अब आगे देखती हूँ कैसी सर्विस देते हैं। ओके, तो मानसी के नेल्स ना अभी तक ये थे और जो फाइनल लुक होगा वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि इसका फाइनल लुक क्या आता है 2 घंटे बाद। तो गाइस इधर आते हैं कि दोनों मम्मी गई हुई है क्लास लगाने, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो अब घर पे मैं और आराध्या ने बोला कि मुझे दूध चाहिए, तो मैं आराध्या के लिए दूध गर्म कर रहा हूँ। क्या पिएगी मेरी बच्ची? दूध पिएगी। और इसके बाद हमने शाम को ना चंडीगढ़ जाना है, तो क्रिश का मतलब इसके भाई का नाम क्रिश है, तो उसका क्या एक दोस्त है, तो कहते हमने उसके पास जाना। तो अब हम दूध पी के थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे और ऊपर मानसी को भी वहाँ से पिक कर लेंगे। तो गाइस कल आप लोगों को पता है कि रूप मेरे नेल्स कर रही थी, उसके बाद हम काम में उलझ गए और एकदम से कहीं हमें और जाना पड़ गया था, तो हमने नहीं दिखाया। तो लास्ट लुक जो मेरे नेल्स की थी वो कुछ ऐसी थी, मैंने कुछ ऐसे नेल्स किए थे। तो ये हमने दोनों ने खुद ही वर्क किया था, मैंने रूप के हाथ पे किया था और रूप ने मेरे हाथों पे किया था। तो और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, जल्दी ही हम अपना स्टूडियो खोलने वाले हैं नेल्स आर्ट का और भांगड़े का। वो वेन्यू वगैरह भी हमने डिसाइड नहीं किया है कि हम किस जगह पे खोलेंगे, लेकिन बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगा और आने वाले ब्लॉग्स में हम लोग रिवील भी कर देंगे कि हम लोग कहाँ खोल रहे हैं। तो गाइस जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं नेल्स आर्ट में या फिर भांगड़ा में, जो हमारे नियर बाय लोकेशन में होंगे, वो लोग ब्लॉग्स के साथ जुड़े रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो वो ब्लॉग आ रहे हैं उनमें हम किसी भी ब्लॉग में रिवील कर सकते हैं कि हम लोग कहाँ ओपन कर रहे हैं स्टूडियो। और उसी के साथ हम लोग थोड़े टाइम के बाद टीचिंग की क्लासेस भी शुरू कर देंगे, वो आपको स्टेप टू स्टेप हम लोग बताते ही रहेंगे अपने ब्लॉग्स में। सो आपके लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।